यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए कहा कि इंजीनियर यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि वो यादव सिंह की सीबीआई जांच से परेशान क्यों है। साध्वी प्राची के बयान पर राज्यसभा के 20 सांसदों ने दिया विशेष अधिकार हनन नोटिस। साध्वी प्राची ने कहा था कि संसद में एक दो आतंकी बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर निशाना साधते हुए कहा कि ड्रामा करने में माहिर हैं सुषमा। राहुल गांधी ने कहा कि सुषमा जी ने छिपकर काम किया है। सुषमा जी ने जो काम किया है वैसे सोनिया जी कभी नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि ललित मोदी ने सुषमा के परिवार को पैसा दिया है। सुषमा बताएं कि उनके परिवार को कितना पैसा मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सुषमा जी का कांग्रेस ने अपमान किया है। क्या यही कांग्रेस के संस्कार हैं? सुषमा के परिवार ने मेहनत से पैसा कमाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बसंतगढ़ में आतंकियों और पुलिस की मुठभेड़ खत्म। लश्कर कमांडर तालिब हुसैन मारा गया। याकूब को फांसी की सजा सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को धमकी भरी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। याकूब मेमन को शहीद बताकर भारत की नागरिकता छोड़ खूंखार आतंकी संगठन आईएस का प्रवक्ता बनने की चाहत रखने वाले जुबैर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद को पत्रकार बताने वाले मुंबई के जुबैर अहमद खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में उधमपुर हमले में शहीद हुए रॉकी का अंतिम संस्कार किया गया। रॉकी की जाबाजी से बीएसएफ जवानों की जान बच सकी। उधमपुर हमले पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पाकिस्तान का जन्म इनकार करने के लिए हुआ है। वे कुछ बुरा करते हैं और उसके बाद इनकार कर देते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में एक महिला पुलिस स्टेशन 15 अगस्त से शुरू होगा। इस पुलिस स्टेशन में 26 महिला अधिकारी तैनात होंगे। मां की बीमारी और पिता की लाचारी के चलते फरुखाबाद में एक युवक ने पिता पर लाठी से हमला कर दिया। पिता के सिर में चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र स्थित कीलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों के शवों को ले जा रही पुलिस के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर के बिट्ठू थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ पर लटका होने की सूचना पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते कई ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। सीतापुर में ग्राम प्रधान की बेरहमी के साथ धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मथुरा के गोविंदनगर थाना इलाके के जयसिंहपुरा में एक जीजा ने अपने साले को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चोरी और डकैती की घटनाओं का खुलासा करते हुए सिद्धार्थनगर पुलिस ने शातिर डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए चारों अभियुक्तों को डकैती लूट और हत्या के कई मामलों में शामिल है। बाराबंकी में आए दिन हो रही लूट की घटनाओं से परेशान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के हाथ एक ऐसा गिरोह पकड़ में आया जो जनपद में लूट की घटनाओं को अंजाम देकर उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था। महोबा जिले का फायर स्टेशन बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यहां सिर्फ दो दमकल गाड़ियों के सहारे 12 लाख की आबादी वाले जिले की आग बुझाई जा रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का राजवी कन्या इंटर कॉलेज बदहाली का शिकार है। विद्यालय के भवन की हालत काफी खस्ता है जिसके डर की वजह से छात्राओं को बिल्डिंग के नीचे न पढ़ाकर बाहर खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर है। अलीगढ़ के कस्बा टप्पल में गौरक्षा संघर्ष पर यात्रा के तहत सपा के कोल विधायक जमीर उल्ला खां द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें गौ हत्या रोकने के लिए सभा में उपस्थित हिंदू मुस्लिम लोगों से शपथ पत्र भरवाए गए। मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म फैन की शूटिंग पूरी करने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान भावुक हो गए। अतीत में अवसाद सह चुकी दीपिका पादुकोण का मानना है कि देश में स्वास्थ्य से जुड़ी यह एक गंभीर समस्या है। कबीर खान फिर सलमान के साथ फिल्म करेंगे, वे कहानी पर काम शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्गीय अभिनेता राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार को नोटिस जारी किया है। नोटिस राजेश खन्ना के लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी की उस याचिका के बाद भेजा गया है। अक्षय कुमार की प्रभु देवा द्वारा निर्देशित सिंगिस ब्लिंक का फर्स्ट लुक 14 अगस्त को उन्हीं की फिल्म ब्रदर्स के साथ रिलीज होना था।